रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कदम के लिए सिर्फ मौत ही आती है दिमाग में, उसी की वजह से सारा बॉम्बे पुलिस मेरे पीछे था। सर, शादी में लाला ने इसे फ्लैट गिफ्ट किया था, और यही नहीं सर, बाहर से शूटर बुलाने का काम शायद नवाब ही करता है। तभी से सर ये नया छोकरा इतनी जल्दी इतने ऊपर कैसे उड़ गया है। चल फिर अरेस्ट करते हैं इसको फटाफट। सर चल। क्या हुआ? एक फोटो काम का नहीं है इसमें। ये क्या अब ये पैसे देने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए या किसी के साथ चाय पीने के लिए जेल में डालू इसको? पक्के सबूत के बिना इसके बायोडाटा का क्या करेंगे कोर्ट में? सर वो सर छोड़, कुत्ते की तरह लग जाओ इसके पीछे, और जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा कोई घर नहीं जाएगा। सर क्या कर रहे हो हीरो? ये ले, ये तेरे लिए। ऐसे पूरा दिन घिसने का नहीं, थोड़ा फन भी करने का, समझा? गैंग में मेरा हीरो जैसा ढासू एंट्री हो चुका था। इतना मेहनत किया कि धंधा, कमाई, अय्याशी सब रातों रात डबल ट्रिपल हो गया। बीवी खुश, भाई लोग खुश, दोस्त खुश, और मैं तो सातवें आसमान पे। लेकिन साथ में साला कदम का खुशी भी पड़ रहा था। अपने खिलाफ सबूत जो मिलने लगा था उसे। सर भोसले, क्या पता चला? सर कहाँ से? बरेली से है सर। और ये पता चला है सर कि लाला का खास आदमी है ये। झींगा फिराते सर बड़ा मछली निकला। तो काटने की तैयारी करो। सर सर तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मस्तार मणि को तेरा रिपोर्ट कार्ड भेजा। कभी मेले में गया तू? मेले में? हाँ, बचपन में गया था एक बार। क्यों? ये बॉलीवुड जो है ना, ये इस कंट्री का सबसे बड़ा मेला है, और सबसे तेरा धंधा भी। सपने दिखाओ, क्या बनाओ, माल कमाओ। ये प्रोड्यूसर लोग को ना, अपन लोग लोन पे पैसा देते, और ये अपन को बैंक से ज्यादा ब्याज 21%। लेकिन ये लोग सीधा बैंक क्यों नहीं जाता डायरेक्ट? अरे इनके वो फ्राइडे के वांदे रहते हैं, उसके ऊपर कागज पत्रा, कौन बैंक इनको मुंह लगाएगा? इसीलिए तो तेरे भाई का बैंक चल रहा है। आज अपन तेरे को पूरा धंधा सिखाएगा। जी भाई, आ गया मेला। जिन कहानी को बेचने का धंधा मैं करता रहा, आज उसकी फैक्ट्री में आ गया था। बॉलीवुड की शूटिंग पे आके पता चला कि बंबई को सपनों की नगरी क्यों बोलते हैं। सपने जैसा ही सब चमकीला था इधर। दौलत, ताकत, और चारों तरफ परिया ही परिया। इस धंधे में मजा आने वाला था।
गिल्लो राजू भाई गिल्लो बराबर है कि नहीं? आगे क्या गिल्लो गिल्लो राजू भाई गिल्लो पूरे है ना? लाला बेबी चलिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। शीलो बेबी चल बे, आज तो नॉनवेज खाने का मूड है। अभी जाके आप उनको अपने टाइप का धंधा मिला था, जिधर काम में एंटरटेनमेंट था और एंटरटेनमेंट में काम। नाम अभी लाला का ही चलता रहा, पर काम अब सारे नवाब भाई से पूछकर होने लगे। बॉलीवुड में एक नया हीरो का एंट्री हो गया था, पर्दे के पीछे वाला, जो डायरेक्शन देने और एक्शन लेने में नंबर वन था। वाव, क्या मस्त है ये फिल्म सिटी। शूटिंग, ओ भैया भूल गई, कितना हुआ? यार, नवाब प्रोड्यूसर, तो नवाब वहां पे होगा। आप यहाँ कैसे? तू यहाँ कैसे? और तू तो हुसैन भाई के वहां था ना? नवाब किधर है? नवाब अभी मीटिंग चल रही है ना, आते ही होगा। आप चलो ना, मैं आपको एक्टर से मिलवाता हूं। आओ चलो चलो चलो, आपको बताना क्या, देखो कौन है वो, देखो देखो, पिला उधर ही रखना। अभी तू देख, तू देख, आते हम लोग। अभी ये ना टॉवर सेट लगा ना, ये क्या है? अरे नवाब, नवाब क्या हुआ रे, रुक नहीं सकता क्या? ठीक है, कहीं यही यही भाभी आई है शूटिंग पे, देख इधर उधर देख, याकू भूल जा रहा है उसको, तू जल्दी निकलना, तू जा देख। हाँ रे बोलिया कैसे, ठीक है? हाँ सही। हाँ नवाब, हाँ लाइफ में सब ठीक ही चल रहा था, जब किस्मत ने नया पटाखा किया, पूरा आइटम बम फोड़ दिया। उस लड़की को देखकर ऐसा लगा जैसे अभी तक लाइफ अपना सिर्फ ट्रेलर ही था, असली पिक्चर तो अभी शुरू होना था। नवाब? हाँ। हाय। अरे तुम यहाँ पे कितनी मजे करते हो। हाँ हाँ, तो तू भी क्या डांसर लोगों का ऑटोग्राफ ले रही है, मैं तेरे को एक्टर लोगों से मिलवाता है ना, चल। मुझे सूरज कपूर से मिलना है। हाँ, उसे भी मिलेंगे। चल ना, चल। ओ यार, इन हीरोइनों के नखरों से मैं तंग आ चुका हूँ यार, परेशान हो गया हूँ। निकाल दे यार पिक्चर से। कैसे निकालो, ऊपर से फोन आ जाते हैं यार, समय मिल जा। क्या छटो यार। ओह वेलकम है जी, बैठो 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 बैठो। वेलकम है जी, वेलकम। कितने सोनी जैकेट पहनी है सर जी ने। मस्त 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 बढ़िया। हीरो जी आप तो मतलब छा गए। वाह 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 वाह। वो लो जी, वो सर जी काजू। हीरो जी क्या है ना, पिछली फिल्म फ्लॉप हो गई थी ना, बंदी को तो पिक्चर उतर भी गई थी। पर प्रोड्यूसर तो आप दोनों हो ना? लेकिन मेरे मालिक, मेरे भाई, बात ये है कि होंडा है यार। फिल्म लाइन धंधा ही ऐसा है। तू लाला भाई से जो है ना बात कर, हैं? लाला भाई को बोल कि इस बार जो है रब दी मेहर से मल्होत्रा ब्रदर्स ने सब कुछ सेट करना है, अगला पिछला सब हिसाब सेट। अगर इस बार हिस्सा बराबर नहीं हुआ ना, तो मदर स्वेयर सिस्टर स्वेयर के लिए गर्दन भी नहीं बचेगा। और ये तब तक अपने पास गिर गई। वो क्या है ना, ऐसे चपुन को लोग हीरो नहीं बोलते। चलता है। भाई क्या है? भाई आपसे एक मिनट बात करनी थी। प्रदीप जी भाई, वो फिल्म के अंदर लाइन प्रोड्यूसर हूँ। हाँ मुबारक हो। थैंक यू भाई। भाई अगर आपके पास में समय हो तो आपको बहुत जरूरी बात बतानी है।
इधर। नहीं, I'm sorry, मैं बाहर वेट करता हूँ। भाई आजकल ना सारा गेम चेंज हो गया। पिक्चर बनती सिर्फ एक बार है, लेकिन बिकती कम से कम 25 बार है। बोलता रे प्रदीप। भाई थिएटर रिलीज के अलावा म्यूजिक राइट्स, फॉरेन रिलीज, टीवी रिलीज, इन सारी चीज़ों को करके ना एक पिक्चर कम से कम 100 के 200 देखी ही जाती है। और वो मल्होत्रास भाई, आपको 21% देने के अंदर आना था नहीं कर रहे? और मल्होत्रास की जगह कोई और हुआ तो? भाई 21% तो छोड़िए, मैं आपको 100 के 150 देता गारंटीड, पिक्चर चले चाहे नहीं चले। अगर मैं होता तो तेरे को प्रोड्यूसर बनना, सीधा बोलना। हाँ भाई, और अगर आप लाला भाई से बात करेंगे तो वो तो आपको मना भी नहीं करेंगे। प्लीज भाई, अपन बनाएगा तेरे को प्रोड्यूसर। थैंक यू। पूरा सुन, तेरे पिक्चर में पैसा पूरा अपन देगा, लेकिन तेरे से ब्याज नहीं मांगता है, हिस्सेदारी मांगता है। मतलब आप भी प्रोड्यूसर? पार्टनर, वो क्या बोलते हैं, वो को प्रोड्यूसर। हाँ वोच, देख पूरा पैसा अपन का, फिर क्या वो तेरा पिक्चर का हो राइट्स। हाँ वो राइट्स, पिक्चर का रिलीज जितना भी हो सारा प्रॉफिट 60-40 आपका। हाँ बात मंजूर है तो आगे बात करें। ठीक है भाई, डन डन भाई डन। सुन, अपने साथ पार्टनरशिप का मतलब जानता है ना, हीरोगिरी सिर्फ अपुन ही कर सकता है, समझा? जी भाई। भाई वैसे अपुन सोच रहा है कि अभी ना धंधे को बड़ा करना है, एक प्लान है वैसे। धंधे से पहले चलना तो सीख। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी बोला ना नहीं तो नहीं, गाड़ी निकाल चल। जी भाई। उस वक्त मेरे साइड हीरो से हीरो बनने का टाइम आ गया था। लाला के उस दिन ऐसे चिल्लाने ने मुझे उससे गद्दारी करने में मजबूर कर दिया। पता नहीं क्या किया था, लेकिन मैं अपने गैंग के गद्दार का नाम इन फाइल्स में ढूंढ रहा था, लेकिन वो फाइल तो साला किस तेरे तिजोरी का पेपर चलाया। भाई मेरे को लगता है कि तू बॉम्ब से हो गया होगा। बॉम्ब से हो गया होगा? बॉम्ब से उड़ाने में और हाथ से चलाने में फर्क समझता है मैं? कदम तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस, तुम्हारे पर्सनल वेंडेटास। सर्वे रिकॉर्ड। हेलो बख्शी साहब, आप ठंडे भेज वाले लगते हो, इसलिए आपसे बात कर रहा है। ये जो राड़ा हुआ अभी अपन भूल जाएगा इसको, बस अपना जो बिरयानी का ऑर्डर है उसमें 5 विस्की जोड़ देना, बिल अपन बाद में सेटल कर देगा। Listen, Nawab. You listen, Bakshi. 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। ये पुलिस स्टेशन ना आप लोगों का है, लेकिन यहाँ गेम सिर्फ हमारा चलेगा। और बात नहीं माननी तो और भी पुलिस वाले यहाँ छत से फेंकने को। Okay, fine. लेकिन देखो किसी और को कुछ होना नहीं चाहिए। वो आपके ऊपर है, 1 घंटे में ऑर्डर आ जाना चाहिए। राजन तुम यहाँ सब कुछ संभालो। सर। और इनकी डिमांड्स देखो, मैं हेडक्वार्टर से होके आ रहा हूं। पता नहीं साला कौन सा विस्की पीता है। एक कदम क्या कर रहा है तू? बख्शी साहब ने क्या बोला? ये छोड़ना बख्शी का कांड राजन, तू और मैं असली पुलिस वाले हैं। तू जानता है ना ये पंटर लोगों के पेट में शराब चली गई तो क्या होगा। ये ऐसा अपन का डिमांड पूरा नहीं होने देंगे, किसी को बाहर भेजना पड़ेगा।
कौन है रे आप फालतू? भाई एक लखन नाम का जानवर है भाई। हाँ लेकिन वो काटता है। अरे हेड कांस्टेबल का कान खा लिया था साला गांडू। कान भी काट लिया? कौन है रे मामा ये आइटम? अरे उसको तो नीचे पाताल लोक में रखेला है। डिमांड तो बहाना था, असल में एक क्रिमिनल को वर्दी में बाहर भेजने का मकसद था। उसको उड़ा के पुलिस को बताना था कि पावर अब भी मेरे हाथ में है। अब अगले 15 मिनट में सामान नहीं आया तो एक और लाश ले जाना। ये तो जायसवाल है, चाइल्ड मोलेस्टेशन केस वाला। राजन ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए वरना पब्लिक की नजरों में ये नवाब हीरो बन जाएगा। नवाब होस्टेज सिचुएशन ने एक नया मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि जिस पुलिस वाले को गैंगस्टर्स ने सरेआम गोली मारी थी दरअसल वो पुलिस की यूनिफॉर्म में एक क्रिमिनल था। हालांकि ये क्रिमिनल कौन था पुलिस बताने से इनकार कर रही है और ना ही ये बता रही है कि क्यों कह रहे हो सब अपना ही है। चलो शुरू करो। मेरी आंखों के आगे जश्न तो हो रहा था पर अपनी नजर अब भी उस इन्फॉर्मर को ढूंढ रही थी इसने गैंग से गद्दारी की थी। मेरा जश्न तो उस कुत्ते को मार के ही होगा। अपने इन्फॉर्मर का सिग्नल